नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील वारिस है। मोहम्मद वकील जी, आप यहाँ पे जो आए हैं, इस दरगाह का क्या नाम है? मोहम्मद खाजा सैयद इब्राहिम। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है, लोग यहाँ पे आते हैं बहुत उम्मीद लेकर के, हर किसी का मनोकामना पूरा हुआ यहाँ पे। आप अभी यहाँ पे श्रद्धा से चादर चढ़ाए, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में बताएंगे? हम यहाँ पे चादर चढ़ाने आए हैं, ये तो हमारा ये समझ लीजिए कि बहुत खुशनसीबी है जो हम भाई लोग के साथ यहाँ पर आ पाए। दूसरी बात ये है कि हम कांग्रेस कमेटी में अपना ये समझ लीजिए कि जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, युवा अध्यक्ष बने हैं वो भी, और हम भी एक युवा हैं, तो हम भी कांग्रेस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, जो कि हम भी कांग्रेस को खिदमत कर सकें। आप कांग्रेस के साथ होना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जिस दरगाह पे आप आए हैं, ये काफ़ी सालों से जर्जर पड़ा हुआ है जी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए जो भी होगा, मेरे से तन धन मन से तीनों चीज़ से हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि ये दरगाह पे आप आके चादर चढ़ाए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आसपास दीवारें भी नहीं हैं, एकदम बंजर बीच में ये मजार पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमें अपने कार्यकर्ता घोषित करती है, तो हम यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि बाउंड्री यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, बाउंड्री भी नहीं है, आने का रास्ता है, जो कि पानी भी यहाँ पे नहीं है, पानी भी जो भी यहाँ पे आते हैं पानी वो बाहर से लेकर आते हैं, तो पानी और दीवार और रास्ता सबका समस्या कांग्रेस के आने पर हम इसको सुलझाएंगे। कांग्रेस में तो आप आ चुके जी, ये समझिए कि पानी के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? अभी पानी हम कोशिश करेंगे। आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस दरगाह के द्वारा? आने वाले लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि आइए दरगाह पे, जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनको पूरे होते हैं, और जो भी आते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं, उसको कोई भी जिस इंसान को जिस मनोकामना है उसे पूरा ही हुआ है, तो हम भी आज इसी श्रद्धा से यहाँ आए हुए हैं। और जो भी है, दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारी है, उसके लिए प्रयास करेंगे। नाम बताइए फिर से। मेरा नाम मोहम्मद वकील वारिस है। ओके जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जाहिद जी, यहाँ पे आप कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 10 साल से तो हम आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या समस्या है कि लोग कम आते हैं यहाँ पे? समस्या मेन समस्या तो पानी का है, बहुत बड़ा समस्या है, जो पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। पानी दूर दूर से लोग लेकर के आते हैं, जब जाके पानी उन्हें पीते हैं यहाँ पे। अब पहले लोग भी यहाँ बताते हैं काफी मात्रा में लोग आते थे और यहाँ काफी सुविधा थी, आबादी भी थी, थोड़ी बहुत ज्यादा लोग आते थे, पानी उन्हीं का भी समस्या थोड़ा बहुत था, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मेन समस्या मेन हो गया पानी का, पानी होने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो ही फायदा है, और आइए चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है अगर लोग चाह लें तो। आज ये जो बिल्कुल जंगल है बाकी घना बना हो जाए, लोग अगर आना स्टार्ट कर दे तो। आपकी तरफ से क्या संदेश है लोगों को यहाँ पे आने का? हमारा संदेश तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस चीजों को जो